नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। इस वक्त हम लोग पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज में हैं और यहाँ जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा महिला अंतर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10 कॉलेजों की जो छात्राएं हैं उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है और अभी जो है ये कार्यक्रम आरम्भ हुआ है। देखते हैं कि विजेता कौन होता है। दादू की यहाँ जो 10 विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हो जिन्होंने जिन कॉलेजों का नाम है यहाँ पे, वो है जेडी वुमेन्स कॉलेज, एन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री अरविंद महिला कॉलेज, बीएस कॉलेज, आरकेडी कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एन कॉलेज, गंगा देवी कॉलेज और नालंदा कॉलेज। हमारे साथ जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छात्राएं हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम? सुरभि कुमारी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप कैप्टन हैं? यस। किससे आपने ये खेल जीता है? बीएस कॉलेज से फर्स्ट मैच हो गया, सेकंड मैच हम लोग का ये एनएस बार से। तो क्या लग रहा है कि ये सेकंड मैच भी आपके पाले में आ जाएंगे? अच्छा हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो हम लोग टक्कर देंगे। इस तरह की प्लेस है या फिर पार्टिसिपेशन करने के बाद से आप लोगों को कैसा फील होता है, क्योंकि बिहार में लड़कियों को लेकर जो गेम्स में है वो बहुत आगे नहीं जाती? नहीं, हमको अच्छा लगता है, हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है अंदर से पार्टिसिपेट करते हैं तो। और रहा बात गेम आगे लड़कियों को नहीं जाने का, तो प्रैक्टिस का कोई यहाँ पे ये नहीं है। Yes. ठीक से ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाता, सारे लोग एक ही दिन इकट्ठा होते हैं, सारे लोग मैच खेलने चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स रहते हो ऐसे होते हैं कि गर्ल्स लोग को सोचते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, बिहार में ये प्रॉब्लम रहता है। कुछ गर्ल्स को पेरेंट्स सपोर्ट करते तो वो लोग आगे जाती हैं, वही कुछ नाम करती हैं, और जिनके नहीं करते हैं वो टैलेंट होते हुए भी वो घर में रह जाते हैं। आप सभी जो ग्रुप है आप सभी का कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, तो यहाँ पे जितने भी आई हैं आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? यस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट के कारण हम लोग यहाँ पे हैं। कैसे कर पाए हैं शुरू से हम लोग, पापा हम लोग वन क्लास से सपोर्ट करते हैं, हम लोग आर्ट्स फोर्थ क्लास से नेशनल खेलते हैं, तो शुरू से हम लोग को सपोर्ट करते हैं, गर्ल्स को कोई ये नहीं है। मेरा भाई है लेकिन उसको है, लेकिन हम लोग अभी हमारे साथ गंगा देवी कॉलेज की छात्राएं हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ तक जो पहुँची है इनका क्या कुछ रहा इस कॉम्पिटिशन में और इन्होंने किसके साथ जीत हासिल की है। जी आपका नाम? मेरा नाम तान्या है, मैं आई ए फर्स्ट ईयर की हूँ, मैं गंगा देवी की स्टूडेंट हूँ। हम लोग का 2 मैच अभी हुआ है, हमने पहला मैच जीता है गुरु गोविंद टीम से और दूसरा मैच हमारा जेडी मेंस के साथ था जो हमने हारा है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमने अपना बेस्ट दिया है 7 दिनों में। बस इस तरह के इस तरह जब कोई खेल प्रतियोगिता होता है लड़कियों के लिए तो वो कितना बेनिफिशियल होता है आप लोगों की नज़र से? मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे फिजिकल एक्सरसाइज, आदमी फिट भी रहता है और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत हाई होता है, सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल रहता है। स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ जो सिस्टम चल रहा है बिहार में, तो लड़कियों के लिए क्या कुछ बेनिफिशियल कराया जा रहा है? कॉलेज में जो प्रोग्राम्स किया जा रहा है ऑर्गेनाइज, उससे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पहले अपना इनिशिएटिव नहीं लेती थी, वो लोग अब इनिशिएटिव ले रही हैं और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए भी जो पहले नहीं खेलते थे, तो आई थिंक स्पोर्ट्स अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो जो ये अंतर विश्वविद्यालय का जो कंपटीशन है वो 2 दिनों का है, ये कल तक चलेगा और रिजल्ट के लिए आप सभी को कल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।